अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, मैं ज़हीर अहमद ख़ान, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने 15-20 दिन पहले आपको एक अपडेट दिया था कि इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में जो है कर्नाटका स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में PSI यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के वास्ते कॉल फॉर किया जाएगा। तो आप तमाम के लिए जो डिग्री कंप्लीट करके हैं उन तमाम के लिए गुड न्यूज़ है कि 1 अप्रैल से KSP कर्नाटका स्टेट पुलिस वेबसाइट में ऑनलाइन एप्लीकेशन छोड़कर है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको इसके मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और जिन्होंने नहीं किया है उन्हें दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जॉब एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, स्कॉलरशिप के बारे में आपको यहाँ पर मालूमात फराहम करूँगा, साथ में एजुकेशन के बारे में भी चंद अहम मालूमात फराहम करूँगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए आपको मैं KSP में PSI पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या हैं, पोस्ट कितने हैं, इन तमाम का इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दूँगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको गूगल में KSP 2021 यानी 2021 टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं KSP 2021 है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक होम पेज ओपन होगा KSP का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर सिविल मेन एंड वुमन 2021, यानी मेन और वुमन, यानी आदमियों के लिए भी है और इसके साथ औरतों के लिए भी है, मेन एंड वुमन। तो यहाँ पर देखें टोटल कुल 402 पोस्ट हैं कर्नाटका एंड नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए, और अप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और इसका जो आखिरी डेट है अगले महीने यानी May 3 तक है, यानी अभी एक महीना आपके पास है, आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है और फाइनल डेट जो सबमिट करने के लिए 3 मई 2021 है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको चंद इसके बारे में अहम मालूमात यहाँ पर देने वाला हूँ, आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में यहाँ पर देखिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अप्रैल को शुरू हो चुका है, लास्ट डेट 3 तारीख को है, और पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करने का लिए जो है वो 5 तारीख यानी May 5 तक वक्त दिया गया है। 3 तारीख अप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, 5 तारीख फीस जमा करने के लिए। यहाँ पर देखिए आप रिक्वायरमेंट स्टेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको मिलेंगे। देखिए सबसे पहले एज लिमिट, तो फ्रेंड्स एज लिमिट जो है जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल, यानी मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स जनरल वालों के लिए। और यहाँ पर देखें जो क्या है, May 3 1991 यानी 3 मई 1991 और 3 मई 2000 के बीच में जो जिनकी पैदाइश हुई है, जिनका बर्थ हुआ है, वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके साथ साथ SC ST कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A एंड 3B इनके लिए एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बॉर्न बिटवीन 3 मई 1989 एंड 3 मई 2000 के बीच में इनकी पैदाइश हो, ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो इन सर्विस कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो जनरल मेरिट के लिए उनका 35 ईयर्स मिनिमम है। तो इसी तरह SC ST कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A एंड 3B के लिए 40 ईयर्स जो इन सर्विस हैं, ठीक है। तो ये हो आपको एज क्रिटेरिया, ठीक है। हाँ, फी डिटेल्स, फीस जो है आपको HDFC ब्रांच से अपलोड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एक एज लिमिट के बाद फीस स्ट्रक्चर HDFC बैंक से करना है। इसी तरह एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एनी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय UGC आर इक्वलेंट, एनी डिग्री जो UGC और उसके इक्वलेंट से रिकॉग्नाइज हो, ठीक है, PSC सिविल के लिए एनी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय UGC और इक्वलेंट रिकॉग्नाइज
यूजीसी से या उसके इक्वलेंट यूनिवर्सिटी से जो है रिकग्नाइज हो डिग्री, एनी डिग्री, जैसे बीए, एमए, ठीक है, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, बीई, एनी डिग्री रिकग्नाइज बाय यूजीसी, ठीक है, ये आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ट जो है दो तरह का होता है, एक जो है आपको रिटन टेस्ट होगा, एक फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, इंडोरेंस टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट यहाँ पर। और इसके बाद क्या है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने आपको तमाम दिखाया, डिटेल्स दिए हैं, जैसे एज, फीस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की लिस्ट आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। अगर किसी को ये अप्लाई करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे नंबर नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसके साथ अगर कोई व्हाट्सएप के ज़रिए डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उनका एप्लीकेशन भी जो है अपलोड करके उनको व्हाट्सएप में हार्ड कॉपी भेज सकता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के वास्ते क्या क्या है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये तमाम चीज़ें आप वेबसाइट में मिल जाएंगी डिटेल्स, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के मुताबिक कोई डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कॉल कर लें। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने डिग्री की है, जो घरों में हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, जिनकी एज 21 to 30 ईयर्स है, उन मेंस और वुमेंस को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द जाएँ और अपने नज़दीकी सेवर में पीएसआई पोस्ट, कर्नाटका पीएसआई पोस्ट, पुलिस सर्विस पोस्ट को अप्लाई करें, ठीक है। जो आप उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तमाम एज क्राइटेरिया ने मैंने तमाम डिटेल्स आपको दिया है और आप केएसपी 2021 में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जिन मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ, फ्रेंड्स से भी गुजारिश करता हूँ कि जिनके बच्चे 21 और 30 इयर्स के बीच में हैं, जो डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी, इस तरह के, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को कहें कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि 402 पोस्ट यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, जिसका आखिरी डेट 3 मई 2021 है, अभी एक महीना आपके लिए वक्त है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर डाउट है तो इंशाल्लाह कॉल करें, मैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा। और जो लोग अपलोड करना चाहते हैं, जहां पर साइबर की सहूलत नहीं है, इंटरनेट की सहूलत नहीं है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मैं नंबर पर डॉक्यूमेंट्स भेजें, इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड करके आपकी हार्ड कॉपी में आपको फिर व्हाट्सअप कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट अपडेट के लिए तैयार रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय कर्नाटका, अस्सलाम वालेकुम।